कबीर काया काछी कारुई कबीर कबीर काया काछी कारुई केवल केवल काछी धा केवल काची धा काया काची कारुवी कबीर काया काची कारुई केवल केवल काची धा केवल काची धा सोबत रखे सोबत रखे ताराम भजे कहा बिसासा इस भांडे का, काची गागर नीर बरत है। कहा बिसासा इस भांडे का, इतना के लागे ठनका। थोड़ी जी ठोकर। कच्ची कढ़ी मटकी, कच्ची मटकी उंदे विच पानी। ते चंगा है कि पानी पी लवे, प्यास उस पानी दी बनी रहे। ये भरोसा ना रखे कि पानी उस मटकी विच हमेशा पिया रहेगा, क्योंकि मटकी कच्ची है, मिट्टी तो बनी है। इनका पिछोकड़, इनका बेस मिट्टी है, ते मुड़ इसने मिट्टी हो जाना है। हुण इत्थे जरा सोचना है कि जे कच्ची कढ़ी, मिट्टी तो बनी हुई गगरी इतनी बेविश्वासी है, तो बनाई क्यों? बनाई क्यों? बल्कि जदों असी इतिहास दे, दुनिया दे, संसार दे पुरातन समय तो निगाह मारने आ, तां इस काच गगरिया दी बड़ी वैल्यू सी, आज भी है। घर घर कच्चे भांडे ही तो अक्सर होंदे सन। हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता ताता ने अपना ठिकाना बनने है। पुराने समय अंदर पानी मेन दे विच, बल्कि मातावां बजुर्गां नूं पुछ के वेखिओ, लॉकर दा काम भी मतावां अपनियां ज्यूलरी ते जियां जो कुछ चीज़ां कीमती ने सन वह भी कच्चे भांडियां विच छुपा के रखदियां सन। ये भी करदे लोक सन। इहो खाण पीण दे समान नूं सांभण दे बरतन सन। बल्कि पुरातन समय अंदर ते मैं जदों इतिहास वाल निगाह मारना, तवे दा काम भी कच्ची मिट्टी का घड़ा मटका मुद्दा मार के लिया जाता सी। उनकी पिठ ते ही रोटी पकती सी। कुंभारां दे घर भरे हुंदे सन वख वख तरह के कच्चे भांडियां दे। बल्कि गुरबाणी अंदर भी इसलिए एक एग्जाम्पल आई, कहन लगे कुम्हार के घर हांडी अच्छे बोतात मुख वस्तु जिसका भरिया होया घर हो। गुरु इस बोतात का जिक्र कर रहे ने केवल एग्जाम्पल वजों, भी किसी रब दे हिरदे रूपी घर विच प्रभु प्रभु सिमरन भगती नाम इन्ना इस बोतात विच वसिया होया है, उनका एक श्वास भी खाली नहीं जाता। जिमें कुम्हार दा घर दा कोई कोना खाली नहीं जिथे बर्तन ना पाए होण, भरिया पिया। इसलिए इस शब्द के अखीर ते जाके गल आखी, नामे मधेरा माछे, नाम दे दे हिरदे दा मन दा कोई कोना ऐसा खाली न रहे। कोई जीवन का हिस्सा ऐसा खाली ना रहे, कोई इंद्रा ऐसा खाली ना रहे जिदे नाल राम ना जुड़िया होवे। नामे बदे राम आछे कहन लगे किस तरह एग्जाम्पल दे रहे ने कुमार दी ते कहंदे ने कुमार के घर हांडी आछे रोजो के घर सांडी गो वक वक इस का जिक्र एग्जाम्पल वजों है जिंदे विच कुमार दा भी क्यों कुमार दे घर केवल हांडी दा जिक्र क्यों है? क्योंकि कच्चे भांडे बनाउंदा सी ते बहुत तरह दे बनाउंदा सी, वक वक किस्मां दे बनाउंदा सी। मनुख दियां बहुतात जरूरतां कुमार दे घर दे बनाए हुए बर्तनों तो पूरियां होंदियां सन, पर कच्चे बनाउंदा मिट्टी तो सी, कच्चे जे ना कच्चियां दी कोई वैल्यू ही ना होवे तो बनावे क्यों? ते मैं यो एग्जाम्पल हैरान होना जे रब ने इस काया नू मिट्टी तो बनाया ते इस काया नू ये भी कह दिता कहां बिसासा इस भांडे का इतना कलागे ठनका है भी कच्ची मिट्टी वांगू, कच्चे कच्चे गगरिया वांगू, कच्चे भांडे वांगू। इन्दा भी कोई पता नहीं कितने मौत दा थोड़ा जिहा ठनका लगे ते उत्थे दा उत्थे ही रह जाए। अज ते असी आम जीवन विच ये गल देखने जिन्ना बारे एक पल पर भरोसा नहीं हुंदा, वो साडे वेखदियां चल तुर गए ते तुर जांदे ने। ते गुरु ने भी वो गल आखी कहन लगे कहां बिसासा इस भांडे का कांच गगरिया है। मसला ये है इतना कलागे ठनका पता नहीं कि थोड़ा जिहा ठोकर थोड़ा जिहा ठनका किथे मौत दा लग जाना है ते इन्हें टुट जाना है। पर सवाल ये पैदा हुंदा है कि कुम्हार भी कच्चे भांडे बना रहा है लोड़ां दी जरूरतां नू मुख रख के। ते हे मेरे रब तू भी कुम्हार है, कच्चे भांडे बनाना है। जिन्नी कुदरत तू बनाई है सारी कच्चे भांडे वांगू बनाई है। इसलिए तो कुदरत नू हमेशा रहने वाली नहीं संसार नू, इसलिए गुरु ने अपनी रचना तो आख दिता है कि ये संसार सब आवन जाना मन मूर्ख चेत अजाना। ये संसार की है जिहड़ा हमेशा रहने वाला नहीं, पता नहीं दुनिया दा हर मनुख हर वस्तु हर जीव उस ठनके दी इंतजार विच है। ते फिर मालिक तू कुम्हार है, वे संसार एक कच्चे भांडे वांगू मिट्टी तो बना देता है। पर गुरु ने बड़ी खोज नाल बड़ी गहराई नाल हर गल दा जवाब दिता है। सिख दे मन अंदर कोई वहम भरम नहीं रहने दिता। कहन लगे पुछ कुम्हार दियां वस्तुआं किन्नियां वैल्यू वालियां। अज तुसी बदलवें रूप विच मोहताजी नू सामने रख के फ्रिज बना लाया। कदे कच्चे भांडियां दे विच घड़ियां दा पानी ठंडा हुंदा सी, उदों जरूरत नहीं सी पैंदी कि फ्रिजां दी। फ्रिज अगां फिर मोहताज ने बिजली दे। तू ते मोहताजी आप सेड़दा, रब ने तैनू क्योंकि वो आप बेमोहताज है। उन्हें हर एक चीज़ वो बनाई जेड़ी अगे बेमोहताज होवे। तू उन्होंने छड़ के मोहताजी वाले पासे अज भी मैं देख रहा कई सियाने बुजुर्ग बजाय इस गल डॉक्टर वैद्य भी बजाय इस गल दे कि तुसी फ्रिज का पानी पियो, कहते नहीं घड़े का मटके का पानी पियो। क्यों? उन्हें कुछ सिफत ने, वह कुम्हार का बनाया हुआ है, कच्चा दूजा पक्ष होंदा है। कहते ने उन्दियां चंगियाइयां लभ, देखना यह है। इस तरह काया जड़ी है, यह है तो कच्चा भांडा, इन कोई शक नहीं, बनाया मेरे रब रूप कुम्हार ने, कच्चा भांडा। पर उस कुम्हार कोलों पुछ, रब कोलों पुछ, वो अपनी धुर की बाणी आई रही इस गल का जवाब देगा कि मैं क्यों बनाया है, क्यों बनाया है। गुरु कहते हैं भई परापत भई परापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया गोविंद मिलन किए तेरी बरिया और काज तेरे किते न काम मानस जन्म दुलंब है मानस जन्म दुलंब है होत ना बारंबार गुर सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस देही पाई इस देही को सिमरै देव सो देही भज हर की से भजो गोविंद भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का एला ऐ काच गगरिया कच्ची गगरिया इन्हें टूट जाना है। ठनके की जरूरत है, उड़ीक है, इन्हें टूट जाना है। पर एक ख्याल करें, इनू संभाल के रखन का मतलब ये नहीं कि इन्हें टूटना नहीं, तू संभाल। एक ख्याल करी, इनू संभाल के रखन का मतलब है जिन्नी देर भी तेरे कोल ये साबित रहे। अगली लाइन, जिन्नी देर ये साबित रहे उन्नी देर तक इनका पानी ही तेरे जीवन दी सहारा है। इसलिए ये मालिक दे हाथ विच है। जिन्ने एक काच गगरिया बनाई है उन्हें इनू किन्नी क देर साबित रखना। तेरी भी कोशिश जिंदगी अंदर साबित रखने दी होवे, क्योंकि एक काच गगरिया है, इनदे च किते भी सुराख हो सकता है, किते भी त्रेड़ पै सकती है। तो जिस दिन त्रेड़ पै गई उस दिन ये किसी काम दी नहीं रहनी। तो वो त्रेड़ की है। गुरबाणी ने हर गल का जवाब दिता है। कहते ने इस काच गगरिया दी काया दी झूठी कच्ची घड़ी दी निशानी की है, इनदे विच त्रेड़ की है। कहन लगे नैनो नीर बहे जिस दिन अखा विच धुंधला पाना आ गया, जिस दिन अखा विचों पानी वगन लग पिया, दिसना घट गया, ते तन कमजोर हो गया, शरीर विच पहले वांगू बल ना रहा, केस सफेद हो गए, वह केस दुधवानी, रूदा कंठ, गले विच ओ त्याग ताकत न रही बोलन दी, शब्द नहीं उच्चरा है, हुण पहले वांग शब्द उच्चरदा नहीं। अब क्या करें प्राणी, इस काच गगरिया विच सुराख पै गया, इसलिए साबित रखे। मनुखा डॉक्टर वैद दवाइयां मेडिकल सब उसके क्यों बने ने कि किसी तरह मनुख चाहता है भी ये तन दी काची गगरिया साबित रह जाए, क्योंकि साबित ही पानी नू टिका सकती है, साबित ही तेरे काम दी है। जिस दिन ठनका वज गया, तरेड़ पै गई, जिस दिन ठनका वज गया, इनदे विच सराख हो गया, फिर तेरे किसे काम नहीं। उनकी हालत गुरु ने कोई पाखा छड्या नहीं, कहन लगे तू काया मुखातब किता ने कहन लगे तू काया मैं रुलदी देखी, तू काया मैं रुलदी देखी, इस तन धन की क्या बड़ाई। सतगुरु ने बाणी विच आख्या, बाबा फरीद ने अपनी हड बीती का जिक्र कहन लगा एनी निकी जंगीए थल डूगर भव्यो, इन्हां लत्तां नाल मैं पहाड़ां दे सफर कीते, डुंगाइयां खड्डां विच उतरिया, कदी परवाह नहीं सी कीती भी किहो जिहा रस्ता है, उसे ते दौड़ पैना। थल डूगर भव्यो कहन लगे अज जिथे लेटिया थोड़ी दूर पिया है कुजा पानी दा, ते उजू साजन लई कुजे दी लोड़ है, उठ के दो कदम ते जाना भी मैनू इहो दिस रहा है जिवें सैकड़ों दा सफर करना पैना है। इन्नी निक्की जंगी है थल डूगर भवेओम, आज फरीदा है कुजड़ा सैकड़ों थियोम। कुजा भी सौ को दूर चला गया, हे काया अनेक जतन कर काया बाल पाली, इस तन दी इस काया दी आखिर की है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या कहन लगे काया बगूती बहु बिद भाती, को जारे को गड ले माटी, आखिर तक काया दे काची गगरिया दा इहो ही इतिहास है ना। कोई इसनूं जला दिंदा है ते कोई उहनूं गड्ड ले माटी, भावें मिट्टी विच कबर बना के दफना दिंदा है। को जारे को गड्ड ले माटी, काया दी ये हालत। कहन लगे इसलिए चंगी गल एक ख्याल करें कि जिन्नी देर साबित है इनकी वैल्यू उन्नी दे रहे, साबित कोलों कम लै लै, साबित कोलों कम लै लै। इसलिए गुरु ने बाणी इत्थे अगे विच आख्या कहन लगे साबित कोलों की कम लवां। गुरु ने जवाब दिता कहन लगे जब लग जरा रोग नहीं आया, जदों तक तेरे ते बुढ़ेपा जरा दा बुढ़ेपे दा रोग ना आवे, जवानी तेरे कोल है ते जवानी विच मद मस्तियां दी बजाय जवानी नू संभाल ते इंदे कोलों कम लै। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, साबित रखे जिनी देर हे काया काच गगरिया साबित है उन्नी देर तेरे काम दे, फिर तेरे कोलों कुछ नहीं होना। काल करंता होवे कर, साबित रखे जिनी देर काया साबित है उन्नी देर ही कुछ कर ले। काल करंता वह कर, अब करता सोयताल, पछे पाछे कछु न होएगो, जो सिर पर आवे काल। जदों ठणका काल दा वजया फिर इस काच गगरिया ने तेरा कुछ नहीं सवारना। सतगुरु ने बाणी विच क्यों आख्या, कहने लगे बाबा बोलते ते कहां गए, देही के संग्रहते सुरतमय जो नृत्य करते कथा वार्ता कहते, बजामन हारो कहां गयो जिरे मंदिर कीना, साकी सुरत शब्द नहीं उपजे खिंच तेज सब लीना। अगली लाइन है, कहने लगे सरवन ना बिकल भय संग तेरे, इंद्री का बल थाका चरण रहे कर ढरक परे है, पैर चलनो रह गए कर कार हाथ कुछ करनो रह गए, मुंह गल नहीं निकलती, हुण आवाज दे के ये भी नहीं आख्या जांदा मैनू रोटी दे दिओ। कहन लगे सरवण ना बिकल भय संग तेरे, इंद्री का बल थाका चरण रहे कर ढरक परे हैं, मुखों ना निकसे बाता। ये हालत हो गई, फिर की करेगा। इसलिए चंगी गल यह है कि जिन्नी देर ये तन साबित है उन्नी देर कोल कम लाए तो कम की लाए। यही गल का जवाब बाबा कबीर जी ने दिता, कहन लगे दो गल्लां मैं तेरे सामने रख दित्तियां ने कि काच गगरिया काया काची कारवी, इंदे ते विश्वास ना करी, भावें पानी भरिया होया ठंडा पानी पिला रही है पर इंदे ते भरोसा ना करी, कल है कि नहीं, थोड़ा जिहा ठनका लगन दी देर है काच गगरिया ने टुट जाना है। काया काची कारवी क्यों, क्योंकि इनकी धात इनका बेस भी कच्चा है, मिट्टी है, केवल काची धात। ते दूजा पक्ष मैं तेनू ये समझाना चाहना, बाबा कबीर कहते हैं कि साबत रखे ताराम भज। जिन्नी देर एक काया साबत आए इनके कोलों कुछ करा लाए तो करा की लाए। यही जवाब बाबा कबीर जी ने दिता, कहने लगे साबत रखे ताराम भज, साबत रखे ताराम भज, नहीं ता बिन ठीक बात, नहीं ता इंदी बात गल ते अखीर माड़ी है। ओ है कि जां ये मिट्टी हो जाएगी कब्र विच, जां ये स्वा हो जाएगी जल के अग विच, इस तो इलावा इंदी होई होर अखीरली बात कोई गल नहीं। बाबा कबीर कहने लगे साबत रखे ताराम भाजे, साबत रखे ताराम भज, नहीं ता बिन ठीक बात, नहीं ता बिन ठीक बात। केवल काची धात, केवल काची धात, कबीर काया काची कारवी, कबीर काया काची कारवी। काची दात केवल काची दात केवल काची दात यहो कारण है गुरमत अनुसार इस काची कारवी तो कम लेना है, भरोसा नहीं करना, इनके लिए नहीं जीवना, जीवन लिए इनू वरतना, इनके लिए नहीं जीवन, ये है ही नहीं जीवन, तो इनके विच है। यही गल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने आखी कह लगे, साधो ये तन मिथ्या जानो काच गगरिया है। हाँ, या भीतर जो राम बसता है उनके कोलों उन्हों चेते कर साबित बस रखे तो राम भज। यो कारण सवाल दे दाने अज आप पुरब भी मना रहे हैं गुरु अर्जन पातशाह जी का, ततिया लोहां ते दे बैठी है, छाले पै ने उबलदिया देगा विच दे बैठी है, पर उथे भी राम नहीं भुलिया क्योंकि दे नाल प्यार नहीं। एक ख्याल करो, दुनिया अंदर शहीद दा जन्म उथों ही हुंदा है जिथे वो देह का प्यार छड्डदा है, देह तो मुक्त हुंदा है। गुरु अर्जन पातशाह जी देह नहीं, देह तो वखना है। जे देह हुंदे तो तत्तियां लोहां उन्हां नूं जला सकदियां, वो तो आख रहे ने तपतमा ठांड वरताई अनंद भया दुख नाठे भाई, जन्म मरण के मिटे आंदे से। इसलिए जिन्नी देर एक काया दे है, क्योंकि लड़ी मुताबिक बाबा कबीर जी की बाणी की लड़ी चल रही है, वो ही करना से कर रहे हैं। ये ख्याल करो, यो कारण है मन अंदर भी एक गल सी, बेशक अज शरीर कुछ ढिला योग नहीं सी, पर फिर भी मन अंदर एक ख्याल इच्छा सी कि मेरा गुरु तो ये गल आख रहा है कि हे सतगुरु बेनती है तेरे अगे, अकाल पुरख अगे बेनती कर रहा है वो है कि कीर्तन नाम सिमरत रहूं, तेरा कीर्तन तेरी सिफत सलाह करता रहा। मेरा गुरु आखता है, कहंदा कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग घट सास, जिन्नी देर मेरे तन विच काया विच सुआस बाकी ने उन्नी देर तेरा कीर्तन मेरे कोलों ना छुट्टे। इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चुका। फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।